एवरीवन, डियर चिल्ड्रंस, आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। आज हम क्या सीखेंगे? सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? SUB, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं SUB सब्ट्रैक्शन। देखो ये साइन आपने देखा है ना, माइनस का, माइनस होता है। सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? माइनस। माइनस का साइन सिंबल, ये वाला सिंबल होता है किसका? सब्ट्रैक्शन का। ठीक है जी। सब्ट्रैक्शन मतलब कैसे, क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है जितनी चीज़ दी है उसमें से कम करना। जब जैसे छोटा बच्चा होता है तो मम्मी 10 पेंसिल लेके आती है तो दोनों को बांट देती है ना, उन इक्वल उनको दे देती है, इक्वल दूसरे भैया को दे देती है, दो भैयाओं में इक्वल चेंज कर देती है ना। तो बांटना मतलब 10 में से 5 गए तो 5 बचे। ऐसे देखो, 5 में से 3 कट करेंगे तो कितना बचेगा? 2। देखो 5, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, इसमें से हमें 3 1 2 3 कितने बचे? 2 बचे। कितने बचे? 2 बचे। ऐसे ही हमें करना होता है। अब देखो मैं आपको कुछ सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल दूंगी, वो आप देखना। देखो वर्कशीट एक, पहले तो आपको आसान से सिखाती हूँ। 9 बॉल्स हैं, उसमें से 2 बॉल्स रोल कर ली। देखो 9 बॉल्स 2 बॉल्स रोल अवे, कितनी बॉल बची? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉल हैं, इसमें से 2 कैंसिल कर दो, कितनी बची? 1 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बची? 7। 7 इज राइट आंसर। ओके, अब देखो इन्होंने क्या कहा है, 10 स्ट्रॉबेरी है, 4 खाली, कितनी बची? 10 स्ट्रॉबेरी हैं, 10 है ना, तो कितनी खाली उसने? 4 को हम क्या कर देंगे? कट। कितनी बची? 1 1 2 3 4 5 6, कितनी बची? 6। देन गुड। अब आप ये बताओगे बेटा कितने हैं कट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने काइट हैं? 8। कितने उड़ा लिए उसने? 3 काइट्स ब्लू अवे, मतलब उड़ा लिए। कितने बचे उसके पास? 3 काइट्स उसने उड़ा लिए, 1 2 3 3 काइट्स उसने उड़ा लिए, तो कितने बचे? देखो 1 1 2 एंड 3, कितने बचे? 1 2 3 4 5, 5 इज राइट आंसर। ओके, अब देखो नीचे 10 स्टार हैं, 3 इसमें से माइनस करना है। 10 स्टार है, 3 इसमें से माइनस करना है, कैसे करेंगे? देखो 10 स्टार है, 1 2 3 4 5, इसमें से हमने कितना माइनस करना है? 2 1 2 3, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही 12 हैं, इसमें से हमें 8 माइनस किया, कितने बचे? 4। ऐसे ही 12 है, यहाँ पे 6 माइनस किया, कितने बचे? 6। 16 में से 9 माइनस किया, कितने बचे? 7। कितने बचे? 7। ओके जी, ऐसे ही हम अगर देखो 10 में से, देखो आपको मैं आगे बोरो वाले सम भी बताऊंगी। बोरो मतलब होता है उधार लेना, लेकिन हम पहले सिंपल सम की एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो पीछे वाला होता है वंस और आगे वाला होता है टेंस, मैंने आपको सब उसमें एडिशन में भी बताया था। 4 में से 0 गए 4, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 3 में से 2 गए 1। देखो कैसे करेंगे? देखो 4 हैं, 4 को करने के लिए 4, 1 2 3 4, इसमें से 1 कैंसिल, कितना बचा? 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा? 3। और ऐसे 1 2 3, 3 में से कितने कैंसिल करेंगे? 2, कितने बचे? 1। इसी तरह से हम कर सकते हैं सम। ऐसे ही हमने कट करके क्या करने हैं? सम करने हैं। ऐसे हमने कट करके क्या करने हैं? सम करने हैं। अब मैं आपको एक बोरो वाला सम बताती हूँ कैसे करना है। 3 4 1, ध्यान से देखेंगे। देखो ये 3 है, 3 में से 4 जा सकता है? अगर ऊपर वाली रकम नीचे वाली से छोटी हो, समझो वो आगे से क्या लेगा? बोरो। इसको कट करके हम 1 3 13 बोरो ले लेंगे। 13 में से 4 कैंसिल करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने बचेंगे? 9। कितने बचेंगे? 9। इसने आगे से एक बोरो लिया था, इसके पास कितने बचे? 4। 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3। ऐसे ही सम करने हैं बेटा।
ऐसे ही सम करने हैं, कटिंग वाले जो होते हैं, बोरो वाले होते हैं, ऐसे ही करने होते हैं। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी दे दूंगी करने के लिए, आपको आसानी होगी। देखो 7391, ये तो आपको दिख ही रहा है, 3 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम क्या बना देंगे, 9 13 9 कैंसिल करो, 9 10 11 12 13 4, इसने आगे से एक कैरी बोरो ले लिया था, 6 में से 1 गए 5, ये हो गया एक हमारा बोरो वाला सम। ऐसे ही हमने क्या करने हैं, सारे बोरो वाले सम करने हैं। ओके, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो, देखो पहले तो हमने बुक्स एक पिक्चर से सीखा, फिर हमने एक इससे एक्सरसाइज से सीखा, फिर हमने बोरो वाले सम किए, फिर हमने क्या किए, बोरो वाले सम भी दिखाती हूँ मैं आपको। बोरो वाले सम भी हैं, बोरो वाले सम ये जैसे देखो 5 में से 1 नहीं जा सकते, तो हमने क्या क्या 15 बना दिया, 15 में से 1 गए 7, 6 आगे बोरो गए, 6 में से 4 गए 2, ऐसे ही 10 में से 6 गए 4, 6 में से 4 गए 2, आगे बोरो ले ली, देखो 4 में से 0 गए 4, 6 में से 6 गए 0, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 9, 5 कितने बचे 9, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 7 में से 3 गए 4, ऐसे ही देखो 14 में से 9 गए 5, 6 में से 5 गए 1, 12 में से 6 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 7 5, 7 में से 6 गए 1, 15 में से 8 7, और 8 में से 4 गए 4। एक बात और बताऊंगी मैं आपको, अगर कोई भी ऐसी टर्म हो कि ऊपर 0 आ जाए, देखो ऊपर 0 आ जाए नीचे 6 आ जाए तो कैसे करोगे, 0 में से 6 तो जा ही नहीं सकता, हम क्या करेंगे 10 बोरो, मतलब इसने इससे बोरो ले लिया, इसके पास कितना बचा 6, 10 में से 6 गए 4, 6 में से 1 गए 5। ओके ओके एवरीवन, और देखो एक सम और बताना चाहूँगी मैं आपको, 7 में ये कैसे करोगे, कई बच्चे ये भी गलत कर जाते हैं, 6 में से 0 गए 6, 7 में से 4 गए 3। ओके ऐसे हमने सोच समझकर माइनस सब्ट्रैक्शन करनी है। ओके जी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।